सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामला हर बीते दिन के साथ उलझता जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। इस बीच बिहार के मुजफ्फरपुर में वकील सुधीर कुमार ओझा ने एकता कपूर, संजय लीला भंसाली, करण जौहर, सलमान खान समेत 8 के खिलाफ केस दर्ज कराया था। दरअसल सुशांत के निधन के बाद बॉलीवुड भी 2 खेमे में बंट चुका है। इंडस्ट्री में बगावत के सुर तेज होने लगे हैं। कहा जा रहा है कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ने सुशांत को बैन किया हुआ था। इसी को देखते हुए बिहार के वकील ने इन सभी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस पूरे मामले पर एकता कपूर ने अपना पक्ष भी रखा था और कहा था कि मैंने सुशांत को इस इंडस्ट्री में काम दिया और मेरे ही खिलाफ केस दर्ज करा दिया। बहरहाल अब इस पूरे मामले में कृति सेनन, रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट और मुकेश भट्ट की भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल वकील सुधीर कुमार ओझा ने अब इन सभी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मुजफ्फरपुर के CJM न्यायालय में केस दर्ज कराया गया है। मामले की सुनवाई 3 जुलाई को होगी। इस बात की जानकारी खुद सुधीर कुमार ओझा ने देते हुए बताया कि तमाम साक्ष्य उनके सामने आए हैं, जिनमें इन सितारों के संलिप्त होने की जानकारी मिली है। महेश भट्ट का एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुशांत एक दिन सुसाइड करेगा। इसके अलावा रिया और महेश भट्ट की तस्वीरों को लेकर भी बवाल खड़ा हो रहा है। कृति सेनन ने हाउसफुल 4 के बाद से ही सुशांत से कट ऑफ कर लिया था और मुश्किल वक्त में उनको अकेला छोड़ दिया था। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में जो मैंने करण जौहर, सलमान खान समेत 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, उसी मामले में एक नया रोचक तथ्य आ गया है कि मुझे बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, कृति सेनन, रिया चक्रवर्ती की संलिप्तता उजागर हुई है। और जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत से प्रेम करने के बाद महेश भट्ट के साथ जिस तरीके से उनका फोटो वायरल हो रहा है, आ रहा है, और मुकेश भट्ट जिस तरीके से कहते हैं कि उनको पहले से पता था कि सुसाइड सुशांत सिंह राजपूत करेगा, और हाउसफुल 4 फिल्म मिलने के बाद कृति सेनन जिस तरह से लव का ब्रेक करता है सुशांत सिंह राजपूत के साथ और एक साजिश करती है, सभी लोग इस हत्या के साजिश में संलिप्त है। ये सभी आरोप लगाते हुए सुधीर कुमार ओझा ने इन सब के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आपको बता दें, सुशांत को गए हुए 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस केस में पुलिस के हाथ खाली हैं। मुंबई पुलिस लगातार सुशांत के करीबियों से पूछताछ कर रही है, लेकिन कोई भी सुराग या फिर सुशांत की आत्महत्या के पीछे का कारण साफ नहीं हो पा रहा है। फिलहाल सोशल मीडिया पर भी इस केस को CBI को सौंपने की मांग उठाई जा रही है। सुशांत की आत्महत्या ने बॉलीवुड में बवाल मचा दिया है। स्टार किड्स को सोशल मीडिया पर सुशांत के फैंस खूब ट्रोल कर रहे हैं और उनकी मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं। यही वजह है कि करीना, आलिया, करण जौहर समेत तमाम बड़े सितारों ने अपने कमेंट सेक्शन को लिमिटेड कर दिया है, ताकि उनको विरोध का सामना ना करना पड़े।